हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020, जो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई थी 2019 के अंदर निकाली गई थी, और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट थी 5000 पोस्ट। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की डेट के बारे में, कि आपके एग्जाम कब तक हो सकती है, साथ ही इसके आपके एडमिट कार्ड आपके पास कब तक आ जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट हो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको बताना है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 46 और चौथा ऑप्शन है 45। तो आपको जो भी सही आंसर लग रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको बता दूं, ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं आपके राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के एग्जाम की डेट कब हो सकती है उसके बारे में। तो आप जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरी पोस्ट आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम डेट 2020, राजस्थान पुलिस के द्वारा जो 5000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, परीक्षा जल्द ही आयोजित करा सकता है। आपकी नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा फरवरी और मार्च माह के अंदर कराए जाने की संभावना है। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया गया था कि आपके एग्जाम फरवरी और मार्च माह के अंदर हो सकती है, वैसा ही इसके अंदर बताया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा तिथि के साथ साथ एडमिट कार्ड का भी बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी sso.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाएंगे। आपने इसी वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भी भरा होगा, तो ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, वो आपका 4 दिसंबर 2019 को निकाला गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रजिस्ट्रेशन जो आपके हैं, वो 23 दिसंबर 2019 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो 21 जनवरी 2020 है, और प्रिंटिंग एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 है। अभी तक आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब बात कर ली जाए इसके जो आगे क्या बता रहा है, कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाक के जरिए नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को नियमित रूप से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपने एडमिट कार्ड चेक करते रहने हैं, जब इसके ऑफिशियल एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। साथ इसके अंदर बताया जा रहा है अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो चीज़ों का अपने पास होना जरूरी है, एक तो SSO ID और दूसरा पासवर्ड। इसके जरिए आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद में आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो तो आपका एग्जाम की डेट को लेकर, कब आपके एग्जाम हो सकती है, साथ ही आपके एडमिट कार्ड आपके पास कब तक आ जाएंगे और किस प्रकार आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।